एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि हु का पैसिव वॉइस क्या होगा, यानी इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे करें जो हु से शुरू होता है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक सेंटेंस लिखा हो कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो ये एक एक्टिव का सेंटेंस है जिसका ट्रांसलेशन होगा हु टीचेज यू इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। अगर आप इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो आपको यह स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे बाय हुम, उसके बाद आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे वर्ब थर्ड फॉर्म में, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट अगर हो तो। हो सकता है कि आप सोचे यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा आप टेंस के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देंगे। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर सीखे कि हु वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव करने के लिए दो तरीका है। पहला, आप हु के जगह पर लिखें बाय हुम, और दूसरा तरीका ये है कि आप हु को चेंज न करें, यानी हु को लिखा रहने दें और सेंटेंस के लास्ट में लिखें बाय। लगता है आप समझे नहीं, आइए इस बात को एग्जांपल्स में समझें। आपका क्वेश्चन है हु टीचेज यू, यानी आपको कौन पढ़ाता है, तो इस सेंटेंस का पैसिव होगा बाय हुम आर यू टॉट। आप ये भी कह सकते हैं हु आर यू टॉट बाय। जैसा कि आप देख सकते हैं इस एक्टिव वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए मैंने हु की जगह पर लिखा बाय हुम, और दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने हु को चेंज नहीं किया लेकिन सेंटेंस के लास्ट में लिखा बाय। तो फ्रेंड्स हु वाले एक्टिव के सेंटेंसेस को आप पैसिव में इसी तरह चेंज करेंगे, या तो आप हु की जगह पर लिखे बाय हुम, या हु को चेंज न करें और सेंटेंस के लास्ट में लिखे बाय। और अगर हम बाकी वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय हुम के बाद मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैंने लिखा सब्जेक्ट जो था यू, उसके बाद मैंने लिखा वर्ब जो था टॉट, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया है। मान लीजिए अगर ये सेंटेंस ऐसा हो, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। आप ये भी कह सकते हैं हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय। अगर लिखा हो आपकी मदद कौन करता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हु हेल्प्स यू। लेकिन अगर आप इसे पैसिव फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो आप हु के जगह पर लिखेंगे बाय हुम, यानी आप कहेंगे बाय हुम आर यू हेल्प्ड। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को हु से भी बोल सकते हैं, जैसे हु आर यू हेल्प्ड बाय। अगर लिखा हो आपको किसने पीटा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु बीट यू। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म चाहते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाय हुम आर यू बीटन। आप ये भी कह सकते हैं Who are you beaten by? यानी इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव बनाने के लिए आप बाय हुम या हु बाय का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि हु वाले सेंटेंसेस को अगर आप पैसिव में चेंज करेंगे तो हु को आप बदल देंगे बाय हुम में, उसके बाद आप टेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब थर्ड फॉर्म में, फिर आप लिखेंगे वर्ब थर्ड फॉर्म में, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट अगर हो तो। और दूसरा तरीका ये है आप हु को चेंज न करें, यानी हु को लिखा रहने दें और सेंटेंस के बाद में लिखे बाय, जैसा कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा।